हाथ को थोड़ा छोड़ दो, पर मूवमेंट दो, आपने खून की जांच करवाई कभी? हाँ, हीमोग्लोबिन चेक करवा रखा है कभी? बिल्कुल नहीं कराया था पहले, चार पांच साल, आपको कम से कम अपन ने इस समय 5-7 कप लगाए थे, है ना? हाँ, इसमें अभी जो 5-7 कप लगाए, इन कपों के अंदर ये जो आगे वाला है एक, जिस जगह आप दर्द भगा रहे हो ये रेड हो गया है ना, यहाँ डार्क है, दूसरा इधर एक लगाया था कप, ये वाला डार्क हो रहा है ना, और एक यहाँ लगाया था, ये डार्क भी है हार्ड भी है यहाँ, तो ये जो अपनी मांसपेशी है ना, ये एक तरह से इसमें स्पाज्म हो गया, इसमें खिंचाव आ जाता है, अकड़ जाती है, फ्रिज हो गई है एक तरह से, जम गई। तो इसको ढीला करने का तरीका है कि यहाँ के खराब खून को निकालेंगे तो यहाँ पर नया खून आएगा, और नया खून आएगा तो आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा, अपन ने ये जो गर्दन पे लगाए थे, यहाँ आपको दर्द तो है लेकिन यहाँ कोई क्लॉट्स नहीं है, है ना? वो इसी का नतीजा है कि आपके यहाँ दबाव पड़ने से आपके यहाँ भी दर्द महसूस होता होगा, है ना? और इसी तरीके से इस जगह लगाया तो भी आपको ये स्पॉट बन गया है यहाँ, और यहाँ पर भी अपने को आवश्यक लगे तो अपन ब्लड कपिंग कर सकते हैं, है ना? तो इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा, जो ये तकलीफ है वो ठीक हो सकती है अपनी। जी, तो इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम आओ तो अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लेना एक बार, है ना? हीमोग्लोबिन तो आज ही चेक करा लूंगा। इसमें झटका लगेगा तो सावधान रहना, है ना? कमर सीधी रखो, घबराना नहीं है, आप घबराओ मत, आपको कोई दिक्कत लगे तो रोकूंगा, आप अकड़ाओ मत, आपको शरीर नहीं है अकड़ाना बिल्कुल भी, है ना? अब पहले उस दिन वाली जैसी स्थिति आज नहीं है, है ना? उस दिन जैसी नहीं है ना आज, फिर डरना क्यों है अपने को? ये निकल गया, बस इधर थोड़ा दर्द हुआ था, इधर ही बस बात ठीक है, लेकिन जो उस दिन हुआ था कटिंग का, उस दिन तो बाद ही लगा ना, वो आज तो स्थिति नहीं बनी अपनी, नहीं आज अपन पहले से बहुत अच्छे हैं, कमर सीधी करके गर्दन सीधी रखो, बिल्कुल बिल्कुल इसको ढीली रखना, हो गया? दोनों हाथ
हाथ पीछे करो, ऊपर यहाँ पकड़ लो इनको, क्रॉस इनको पकड़ो, है ना, ढीला रखना सिर्फ, आराम से पीछे आने दो, आने दो, आने आने दो, आने दो, वापस छोड़ छोड़, बस अरे राम अरे राम, छोड़ दो हाथ, छोड़ दो सर, मेरे को नींद आ जाए तो थोड़ा रिलीफ मिले, यस थोड़ा, हर आधे घंटे 15 मिनट में करवट बदलनी पड़ती है। आप कुछ नहीं, आप ढीला रखेंगे शरीर को, बिल्कुल भी नहीं अकड़ाएंगे, ठीक है, गर्दन ढीली रखनी है आपको, मेरे से तो आराम मिलेगा आज, मेरा अनुभव हुआ रात को, हाथ को ना, उसको हाथ को सीधा रखना है, कुछ एक इधर सब जो पहले क्या स्थिति थी, पहले चलेगी ये बात, और इस हाथ को पीछे लाए तो यहाँ देखा था, पहले की स्थिति ऐसे आराम से ला रहे थे, अब नहीं है, है? ठीक है, अरे तो फिर क्या चाहिए आपको, चलो पहनो कपड़े, बस बस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा PHC बुरार से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो या कंधों की जकड़न हो, उसमें अपन आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी का प्रयोग करते हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। ऐसा ही एक परिणाम लिख करके मेरे पास में एक पेशेंट हैं, परिचित हैं, आइए अपन उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? श्याम कुमार शर्मा। जी, क्या करते हैं आप? मैं केमिस्ट हूँ, मेडिकल स्टोर है। जी, और आप क्या दिक्कत है आपको मेरे पास में किस? मैं इसलिए आया कि मेरे 7 अगस्त को मैं सीढ़ी से स्लिप हो गया था। जी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में और पैर में और ये हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम थी। जी, तो उसमें दर्द बहुत होता था, मैं नाइट को सो नहीं पाता हूँ और 5-10 मिनट 15 मिनट में ये करवटें बदलनी पड़ती है, रात भर नींद नहीं आती है। जी, और आपके यहाँ आने से ये सेकंड बार मैं आया हूँ आपके पास में। जी, तो वो फर्स्ट में तो मेरे को 25% राहत मिली थी, आज सेकंड डोज में ये सेकंड अब थेरेपी में जी अभी मेरे को लग रहा है 50% आराम है और आज मैं शायद रात को आराम से भी सो पाऊंगा। पहले सीटिंग लेके गए थे तो उसके बाद में नींद में क्या स्थिति थी, कुछ ठीक लगा या नींद में कोई फर्क नहीं था ज्यादा? नींद तो इतनी नहीं आ रही सर, आज मेरे को ये अभी जो आपने थेरेपी दी उससे मेरे को राहत मिल रही है, दर्द बिल्कुल नहीं है अभी इस टाइम और मैं पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब मेरे पास में आए थे तो आपके मूवमेंट की मैंने 2 बातें देखी थी कि एक तो आपको कंधे को
कंधे के हाथ को अपने पीछे ले जाने की स्थिति थी जो आपसे नहीं जा रहा था उस टाइम, तो उस समय क्या स्थिति महसूस कर रहे थे? आज आप हाथ कितना पीछे ले जा पा रहे हैं? आज तो आराम से ले जा पा रहा हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। पहले फर्स्ट थेरेपी में बहुत दर्द हो रहा था। और हाथ को घुमा करके कान को पकड़ने की कोशिश करें तो पहले पकड़ पा रहे थे? नहीं, पहले नहीं कर। अब पकड़ करके देखो तो ये अब आसानी से आ गया। और मैं जहां तक जानता हूँ पहली बार आए थे तब शायद ये हाथ खींचने में अपने को काफी दर्द हो रहा था, है ना? और ऐसे ही हाथ को पीछे की तरफ ले जाए तो अपन पीठ के पीछे ये इतना नहीं जा रहा था, बहुत इसमें बहुत दर्द हो रहा था। अभी ठीक ही है जी, चलो। और अभी अपन ने तो कोई दवाई का उपयोग किया नहीं किया अभी तो, ठीक है ना जी। और केवल थेरेपी ली है अपन ने। और दर्द की पहले दवाइयां खाते थे या दवाइयां वगैरह? मैं सब पहले कॉम्बिफ्लेम लेता था खाली बस। जी जी जी, तो उससे क्या फर्क? उससे थोड़ा बहुत आराम मिलता, 2-3 घंटे आराम मिलता बस, और कुछ नहीं। दर्द में कोई वापिस वो की वही प्रॉब्लम थी, हाथ इधर उधर हिल नहीं सकता था।